नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं अरुई के पत्ते की सब्ज़ी बनाऊंगी और उसकी रेसिपी आप सबको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। एक कटोरी मूंग के दाल, एक कटोरी चने के दाल मैं 5-6 घंटा पहले भिगो के रखी थी। ये मेरा खूब अच्छी तरह से फूल गया है, अब मैं इसको पीसूँगी। ये हरी मिर्च है, इसी में डाल दे रही हूँ, और ये लहसुन है, सब साथ में ही पीस दूँगी मैं। देखिए पीस ली हूँ, खूब बारीक नहीं पीसी हूँ, थोड़ा मोटा ही पीसी हूँ। देखिए अरवी के पत्ता है, मैं अपने गमले से तोड़ी हूँ और इसको मैं अब बारीक खूब काटूँगी। देखिए मैं इसको खूब बारीक ऐसे काटूँगी। मैं अपना सारा काट ली हूँ, अब जो मैं पीसी हूँ उसमें ये डाल रही हूँ। इसमें मैं कुछ मसाला डाल रही हूँ, हल्दी है, आमचूर है, गरम मसाला और मिक्स मसाला, सब इसी में डालूँगी। सब नमक डाल देती हूँ, मैं अपने स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। सब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इसको। अब मैं सब मिक्स कर ली हूँ, अब इसको मैं बनाऊँगी। मेरा कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें छोटा छोटा पकौड़ी के जैसे डालूँगी। एक तरफ से हो गया है, मैं इसको पलट रही हूँ। हो गया है, अब मैं इसको निकाल दे रही हूँ। मैं ऐसे ही अपना सारा बना लूँगी। मैं आधा के बना ली हूँ, आधा के मैं दूसरे तरीक़े से आपको बना के दिखा रही हूँ। देखिए कढ़ाई में मैं पानी रख दी हूँ, उबल रहा है, अब इस पर मैं स्टीम करूँगी। इसे गोल गोल इसको भी रखूँगी ऐसे ही। इसको मैं ढक दूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी गैस। जब तक मेरा स्टीम हो रहा है तब तक मैं अपना इधर सब्ज़ी बना ले रही हूँ। ये मैं पचफोरना डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच। ये मैं दरदरा 1 प्याज पीसी हूँ। अब मैं 2 मिनट प्याज भून ली हूँ, अब इसमें मैं अदरक और मिर्चा का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसमें मैं कुछ मसाला डालूँगी, ये हल्दी है, मिक्स मसाला है, गरम मसाला, ये आमचूर है, सब मैं साथ में ही डाल दे रही हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, तब टमाटर डालूँगी। अब मैं इसमें टमाटर 2 पीसी हुए डाल रही हूँ, को भी मैं 5 मिनट भूनूंगी। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। अब ये उबल जाएगा तो मैं इसमें पकौड़ी डाल दूँगी। अब मेरा ये स्टीम वाला हो गया है, मैं बंद कर दे रही हूँ। देखिए मेरा अरवी के पत्ता की सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है। आप भी बनाइए और खाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना है। देखिए ये मेरा स्टीम वाला है, ये इसको स्टोर करके 3-4 दिन रख सकते हैं। उसके बाद चाहे तो आप तल के ऐसे भी खा सकते हैं, चाहे मसाला में डाल के सब्ज़ी बना सकते हैं। अगर मेरी सब्ज़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।